प्रीवियस वीडियो रे हमें कनेक्शन बिटवीन द लिवर पैनक्रियाज और ड्यूडेन असेटिक कंप्लीट करले द कंप्लीट ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द पूरा एलिमेंट्री कैनाल रे जति के ऑर्गन्स अछि सब पूरा कंप्लीट करले अचेन कोन होइ बा नेचुरल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एक्चुअली केमिति डाइजेशन होछि और आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन रे हमें बोथ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन डाइजेशन ऑफ लिपिड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड और डाइजेशन ऑफ सेलुलोज से प्रीवियसली हमने कौन पढ़ ले द डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो द प्रेजेंट होची एंड डिफरेंट एसेसरी ग्लैंड्स एसेसरी ग्लैंड्स का हम कौन पढ़ ले द लिवर पढ़ ले पैनक्रियास पढ़ ले एंड सैलिवरी ग्लैंड्स सो से जो एसेसरी ग्लैंड रो सिक्रेशन गुड़ा को हमें डाइजेस्टिव जूसेस कौन बोलबा डाइजेस्टिव तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन रे फास्ट टू दिस से हमें डाइजेस्टिव जूसेस आउ ये डाइजेस्टिव जूसेस के बिना में का को इंप्रूव है डाइजेस्टिव जूसेस रे डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन आउ एसेसरी ग्लैंड टू जो सिक्रेशंस बार ये सब गुड़ा को हमें डाइजेस्टिव जूसेस कहो हम पर बहुत गुड़े डाइजेस्टिव जूसेस होते मतलब फास्ट डाइजेस्टिव जूसेस से लग और सालिवरी और सालिवा मतलब फास्ट डाइजेस्टिव जूसेस से लग सालिवा आउ सालिवा तक को प्रोडक्शन होती को अपना सालिवरी अमाइलेज प्रोडक्शन डाइजेस्टिव जूसेस रे हमर कोन दरकार केवल हमर एंजाइम दरकार को टाइप रो डाइजेस्टिव जूसेस रे को टाइप रो एंजाइम अछि एंड दैट एंजाइम विल हेल्प अस फॉर इन डाइजेशन से एंजाइम टा हमर डाइजेशन रे हेल्प करे जेर प्लस सालिवरी हमर ले के गोटी एंजाइम सालिवरी गोटी एंजाइम अछि दैट आर द सालिवरी हमर ले दैट आर द जदि हमें डायरेक्टली ग्लूकोज खाइ देबा ताले ग्लूकोज ता हला मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड तो ग्लूकोज अब फर्दर ब्रेक डाउन होबा ग्लूकोज ता डायरेक्टली बाय द ब्लड अब्सॉर्ब सके छ जदि हमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाइले तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल अंडरगोस द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्ट आ से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करे करे के हेल्प करे डिफरेंट एंजाइम्स जेहेतु डाइजेशन हला गुटे बायोकेमिकल और हाइड्रोलिटिक प्रोसेस सालिवा हला फास्ट डाइजेस्टिव जूस जो डाइजेस्टिव जूस रे किए प्रेजेंट अछि सालिवरी अमाइलेज रे गुटे एंजाइम अछि जोटा स्टार्च डाइजेशन सालिवरी सालिवरी प्रोटीन डाइजेस्टिंग की लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम सेकंड जो डाइजेस्टिव जूसेस द प्रेजेंट अछि से सेकंड डाइजेस्टिव जूसेस रे किए गैस्ट्रिक जूस सेकंड डाइजेस्टिव जूसेस ला गैस्ट्रिक जूस अब गैस्ट्रिक जूस के कोन सिक्रेशन होतो को स्टोमक गैस्ट्रिक जूस ला सिक्रेटेड होतो को कोन को ना फ्रॉम स्टोमक स्टोमक रो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन होतो गैस्ट्रिक जूस रे कोन प्रेजेंट थिबो गैस्ट्रिक जूस रे एस्केप प्रेजेंट थिबो तासेन तो एंजाइम्स मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन रे आमे केवल एंजाइम्स कथा देखियो तो प्ले गैस्ट्रिक जूस रे फास्ट जो एंजाइम थिबो ताकु तमे प्रोरेनिन कहला
आउ जति की एंजाइम प्रेजेंट अछि प्लस सब एंजाइम पूरा इनएक्टिव फॉर्म रे प्रेजेंट ताको एचसीएल ता एक्टिवेट करिबो एचसीएल ता एक्टिवेट करिबो एचसीएल ता एक्टिवेट करिबो प्लस सेकंड जो एंजाइम ता थिबो से सेकंड एंजाइम ता ला पेप्सिन होते पेप्सिन होते फर्स्ट हैला प्रोरेनिन और सेकंड एंजाइम ता हैला पेप्सिन होते अपना जो थर्ड एंजाइम ता प्रेजेंट थिबो सेटा हैला माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज ला माइल्ड माइल्ड माने वेरी लेस मॉडरेट ताको तमे माइल्ड को पिला ए जो प्रोरेनिन और पेप्सिन जो जेन अछि एला प्रोटीओलाइटिक एंजाइम पिला प्रोटीओलाइटिक एंजाइम माने जे प्रोटीन की डिग्रेडेशन होय ये दीते जब को एंजाइम होला प्रोटीओलाइटिक बहुत प्रोरेनिन और पेप्सिन जो जेन रो काम होला से हेल्प करबो कोथरे ना डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पिला ए जो माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज अछि एटा हला लिपिड और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लिपिड और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लिपिड और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम ता माने ला गैस्ट्रिक जो से को एंजाइम नहीं स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम खाली भरे को एंजाइम नहीं ता प्रोटीन की लिपिड को डाइजेशन को लगा एंजाइम फिलहाल थार्ड जो एंजाइम थार्ड जो गैस्ट्रिक जूस सॉरी डाइजेस्टिक जूस अच्छे से रहना बाइल जूस अब उनको तो आप बोले थे बाइल जूस जाले किसी भी एंजाइम अरे बाइल बाइल जूस जाले बहुत सिक्किसर होते हो अब बाइल जूस जाले सिक्किसर फ्रॉम लीवर लीवर उस पेशर अब बाइल जूस जाले बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस जे किसी भी एंजाइम की कंटेंट पर और लीवर उस सिक्किसर में होते हो बाइल जूस and bile juice has no enzyme bile juice has no enzyme bila bile juice re kon nathibo kichhi bhi enzyme nathi bile juice ke interaction le hi kiya hai gote hela bile salt bila second ta hela bile acid upo ta mera composition ta porthile jetale liver porthile abla third ta hela bile pigment bile salt bile acid au bile pigment pila jo bile salt au bile acid achi ye kon karibo na ye emulsification of fat help kare emulsification of fat emulsification of fat ब्ला इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट माने अनेक तरह के गुटे लार्जर फैट मॉलिक्यूल अछि ए जो लार्जर फैट मॉलिक्यूल ता ब्ला प्रेजेंट अछि ये जति बाइल जूस कांटेक्ट रे आसिबो ये जति बाइल जूस कांटेक्ट रे आसिबो ताले ब्ला एटा स्मॉलर फैट सेगमेंट को कन्वर्ट हेबे स्मॉलर फैट पार्टिकल स्मॉलर फैट पार्टिकल और स्मॉलर फैट सेगमेंट को कन्वर्ट चलो पिला ए प्रोसेस तक तमे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को हैला पिला नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव जूसेस थिबो द नेक्स्ट डाइजेस्टिव जूसेस हैला पैनक्रियाटिक जूस ला नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव जूसेस अछि से नेक्स्ट डाइजेस्टिव जूसेस हला पैनक्रियाटिक जूस साली बहला फास्ट ला गैस्ट्रिक जूस हला सेकंड डाइजेस्टिव जूस बाइल जूस हला थर्ड डाइजेस्टिव जूस
फोर्थ डाइजेस्टिव जूस किए ना फोर्थ डाइजेस्टिव जूस ला पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक जूस मतलब पूर्व में पढ़तिले पैनक्रियास ता कोन ले एक्ट करिवो बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड ले एक्ट करिवो मतलब पैनक्रियास रो जो एंडोक्राइन एक्टिविटी होची से एंडोक्राइन एक्टिविटी ऑफ पैनक्रियास ता कोन सिक्रेशन करिवो ता पिला हार्मोन सिक्रेशन करिवो ओ हार्मोन सिक्रेशन करिवो ना पिला इंसुलिन ग्लूकागन सोमाटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स किंतु पिला पैनक्रियास रो जो सेल गुडा हेल्प करिवो इन सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस पिला से जो सेल गुडा को तमे कोन कहिबो ना अकिनाल सेल होय आ पिला से अकिनाल सेल कोन करिवो ना पैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा तार सिक्रीशन करके लेके फोन करतो को कोठे डियोडेनम रे पूर्व क्लास में पढ़तिले उठी कनेक्शन तबला फास्ट जो पैनक्रियाटिक जूस रे एंजाइम थिबो से फास्ट एंजाइम ता हला ट्रिप्सिन होथे फास्ट एंजाइम के ट्रिप्सिन होथे ट्रिप्सिन होथे पहला फास्ट एंजाइम ताला ट्रिप्सिन होचे सेकंड एंजाइम ताला काइमोट्रिप्सिन होचे काइमोट्रिप्सिन होचे अगला थर्ड एंजाइम ताला प्रो कार्बोक्सी प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज मतलब तीन का डिफरेंट एंजाइम आते प्रेजेंट होते मतलब ये जो थ्री डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट होते ये तीन का जब तो हला प्रोटीओलाइटिक एंजाइम अगेन प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है ये कोकरे हेल्प करेगा प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा प्रोटीओलाइटिक एंजाइम हेल्प करिबो कोथरे प्रोटीन डाइजेशन रे नेक्स्ट पिला आउ के प्रेजेंट थिबो 4 नंबर जो एंजाइम ता प्रेजेंट थिबो तब तक वो पैनक्रियाटिक लाइपेज को पैनक्रियाटिक लाइपेज अब पिला लाइपेज अछि माने ये कोथरे हेल्प करिबो लिपिड डाइजेशन रे हेल्प एटा हला पैनक्रियाटिक लाइपेज ना लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम बस हला पिला नेक्स्ट की अछि आउ गोटे एंजाइम बला पैनक्रियाटिक अमाइलेज पैनक्रियाटिक अमाइलेज अगला पैनक्रियाटिक अमाइलेज अमाइलेज रो कोन काम स्टार्च को डिग्रेड करबो सैलिसिलिक अमाइलेज स्टार्च को डिग्रेड करला पैनक्रियाटिक अमाइलेज मध्ये स्टार्च को डिग्रेड करबो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम इला लास्ट जो एंजाइम रोइला अगर तक को न्यूक्लिएज कहो न्यूक्लिएज और न्यूक्लिएज है न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम ना न्यूक्लिक एसिड की डीएनए और आरएनए ये पिला का डिग्रेडेशन करइबो डीएनए आ आरएनए को डिग्रेडेशन करइबो हैला पिला ये हैला पाठ
कोको एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस आ पैनक्रियाटिक जूस रे कोको एंजाइम अछि ट्रिप्सिनोजेन अछि काइमोट्रिप्सिनोजेन अछि आ प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज अछि जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ट्रिप्सिनोजेन आ काइमोट्रिप्सिनोजेन हला को एंजाइम प्रोटीओलाइटिक पिला पैनक्रियाटिक लाइपेज हला लिपिड डाइजेस्टिंग पैनक्रियाटिक अमाइलेज हला स्टार्च डाइजेस्टिंग अपना न्यूक्लियस हला न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग बुझेला ना नहीं तो पिला ये हला चार नंबर डाइजेस्टिंग जूस आउ गोटे पाखे रहला ये इंटेस्टाइन पिला इंटेस्टाइनल जूस को तमे कोन को सकस एंटेरिकस पिला जो इंटेस्टाइनल जूस को तमे सकस एंटेरिकस से इंटेस्टाइनल जूस रे मतलब कोन प्रेजेंट थिबो किसी एंजाइम से जो एंजाइम ता मतलब हेल्प करिबो को थे पिला जो एंजाइम ता मतलब हेल्प करिबो को थे डाइजेशन रे तो पिला हमें पढ़ तिले इंटेस्टाइन रे दीटा ग्लैंड अछि गोटे अछि ब्रुनस ग्लैंड आ गोटे पिला अछि क्रिप्स ऑफ लिवर को आ जो ब्रुनस ग्लैंड आ क्रिप्स ऑफ लिवर को अछि अदर में ही सेल्स थिबो जो सेल्स सीक्रेट करे पर डिफरेंट एंजाइम्स एंड दैट एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेशन तेनु पिला इंटेस्टाइनल जूस रे मतलब कोन प्रेजेंट थिबो जे एंजाइम्स प्रेजेंट तो पिला फास्ट ला सालिवा सेकंड ला डस्ट जूस बाइल जूस पैनक्रियाटिक जूस पिला लास्ट जो डाइजेस्टिव जूसेस दा एजेंट होसी पिला से लास्ट डाइजेस्टिव जूसेस The last digestive juices are intestinal juice. We have five number of digestive juices. They are intestinal juice. Intestinal juice. Intestinal juice. Intestinal juice means total secretion from the intestine. अब इंटेस्टाइनल जूस को और तुमने कौन करे सकस इंटेरिकस मतलब सकस इंटेरिकस माने इंटेस्टाइनल जूस रो आ गोटे ना हला सकस इंटेरिकस हला पिला इंटेस्टाइनल जूस रे कौन प्रेजेंट थिबो फास्ट गोटे सब्सटेंस सिक्रीशन होतो जा नाम ला एंटेरो काइनेज बिना ये एंटेरो काइनेज का डायरेक्टली फूड डाइजेशन में हेल्प करेगा एंटेरो काइनेज का बोथ में हेल्प करेगा ना एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोज पिला ये ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेशन रे हेल्प करे ट्रिप्सिनोजेन पिला को एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन हला पैनक्रियाटिक एंजाइम अगले ये फास्ट कोतरे हेल्प करिको आ ये फास्ट हेल्प करिको कोतरे अगला ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेशन करिको हैला ये पिला फास्ट ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करे कारण जति के एंजाइम प्रोडक्शन है जे सबुडा इनएक्टिव फॉर और प्रो एंजाइम फॉर में प्रोडक्शन है माने जे एक्टिवेशन हेले काम करिवो जेटा आकु एक्टिवेशन के करेबो से ट्रिप्सिनोजेन को एंटेरो का ट्रिप्सिनोजेन का सिक्रीशन होतो पैनक्रियाज किंतु पिला एंटेरो का सिक्रीशन होतो इंटेस्टाइन किंतु इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करे एक्टिवेशन करे का पैनक्रियाटिक एंजाइम सेकंड कोतला पिला को ता ये सिक्रेशन करेबो डिफरेंट टाइप रो डाइसाकाराइडाइजेस डाइसाकाराइड माने दीटा मोनोसाकाराइड अंतर ग्लूकोज और ग्लूकोज मिश्रित जो दिन छोटा प्रोडक्शन करबो सेला डाइसाकाराइड सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज पिला ये सब गुड़ा है डाइसैकेराइड
आउ डाइसैकेराइड में जे डिग्रेडेशन करबो सोला डाइसैकेराइड डाइसैकेराइडेज कोन करबो ना डाइसैकेराइडेज इला डाइसैकेराइड के डिग्रेडेशन होय तो सेकंड एंजाइम का ये जो प्रोडक्शन करबो डाइसैकेराइडेज सो पिला नेक्स्ट जो इंटेस्टाइनल जूस अछि डाइसैकेराइडेज और डाइसैकेराइडेज कोन करबो ना पिला डाइसैकेराइड के डाइजेशन पिला डाइसैकेराइड की फास्ट डाइसैकेराइड ला माल्टोज अपना माल्टोज को जे डिग्रेडेशन करेबो सेटा का माल्टेज माल्टोज को जे डिग्रेडेशन करेबो माल्टेज इला सेकंड का हला लैक्टोज और लैक्टोज को जे डिग्रेडेशन करेबो से हला लैक्टेज अगला थर्ड का हला सुक्रोज सुक्रोज को जे डिग्रेडेशन करेबो से हला सुक्रेज आपको छाड़ी के पिला आउ कोन प्रेजेंट होइबो ना आइसोमाल्टेज आइसोमाल्टेज आउ पिला थिबो लिमिट डेक्सट्रिनेज लिमिट डेक्सट्रिनेज लिमिट डेक्सट्रिनेज इला आउ एंजाइम प्रेजेंट थिबो न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइडेज इला प्रेजेंट थिबो न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोटाइडेज इला प्रेजेंट थिबो इंटेस्टाइनल लाइपेज इंटेस्टाइनल लाइपेज आउ इला प्रेजेंट थिबो अमीनोपेप्टिडेज 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 ला एतिकी एंजाइमटा इंटेस्टाइन रो सिक्रीशन आउ ये सब गुडे को मिसेक तमे इंटेस्टाइनल जूस आउ इंटेस्टाइनल जूस से मेन इंपोर्टेंट सब्सटेंस ला एंटेरोकाइनेज जेतला ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेशन करेगा सेकंड ना डाइसैकेराइडेज ता ला जे डाइसैकेराइड के एक्टिवेशन ता सतो किला न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोटाइडेज थिबो इंटेस्टाइनल लाइपेज थिबो अगला अमीनोपेप्टिडेज यदि की एंजाइम्स पिला डाइजेस्टिव जूसेस रे प्रेजेंट अछि जे कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को कोन करिबो पिला हेल्प करे तो पिला फास्ट हम कोन करिबो ना गोटे गोटे सब्सटेंस रो डाइजेशन मन कर हम प्रोटीन खाइले लिक्विड खाइले कार्बोहाइड्रेट खाइले तो पिला ता सहित इथि एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट अछि तो पिला ये सब सब्सटेंस रो डाइजेशन में ये हेल्प करियो ये जो डिफरेंट एंजाइम आप या सब तो इंपोर्टेंट कथा ला डाइजेशन टा कंप्लीट हो को करे ना इन इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन में सब सब्सटेंस रो डाइजेशन टा कंप्लीट हो प्रोटीन डाइजेशन टा भी कंप्लीट हो लिक्विड डाइजेशन भी कंप्लीट हो प्लस कार्बोहाइड्रेट रो डाइजेशन भी आल्सो कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन कारण स्मॉल इंटेस्टाइन में सब एंजाइम पूरा ऐसे की पिला प्रेजेंट है सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियास आल्सो प्रेजेंट इन द डुओडेनम सिक्रीशन ऑफ द इंटेस्टाइन इटसेल्फ प्रेजेंट इन द सेटिक एंड सिक्रीशन ऑफ द लिवर तो पिला फास्ट अगर मैं जो दिन सुना पढ़ना से है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पिला कार्बोहाइड्रेट केमिती डाइजेशन हम कहले यदि हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइबा स्टार्च खाइबे डाइजेशन डाइसैकेराइड खाइबे डाइजेशन इधर लगे जब हम मोनोसैकेराइड और डायरेक्ट ग्लूकोज खाइबा तो ग्लूकोज का डायरेक्टली आउट डाइजेशन होता है इट डज नॉट अंडरगोस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इधर डायरेक्टली अब्जॉर्प्शन हिज को बाय द ब्लड
डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट रे कौन कोड स्टार्ट हो अर्थात हमें जति की एलिमेंट्री किनल रे पार्ट अच्छी किना सब पार्ट रे डाइजेशन के फास्ट ना माउथ क्या किला माउथ क्या रे पीए प्रेजेंट अछि ना माउथ क्या रे प्रेजेंट अछि सालिक हरि आमाय कारण माउथ क्या रे सिक्रीशन होछि कोटा सालिक सिक्रीशन अपने से सालिक हरि के प्रेजेंट अछि ना सालिक हरि आमाय किला माउथ क्या रे सिक्रीशन हला सालिक और से सालिक हरि प्रेजेंट अछि को एंजाइम ना सालिक हरि आमाय अगले ए जो सालिक हरे अमाइल है जो सी ये लगते स्टार्च डिग्रेडिंग मिल जाए ये पहले कोक रे हेल्प करेगा ना स्टार्च डाइजेशन रे हेल्प करेगा तो पहले कार्बोहाइड्रेट का पर मैं कोक सोर्स रे खाई पड़ेगा स्टार्च डाइसेक्टराइड मोनोसेक्टराइड मोनोसेक्टराइड फॉर्म का डाइजेशन हम अपने डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन ये पड़ा पॉलीसेक्टराइड और स्टार्च अगला डाइसेक्टराइड का डाइजेशन ये जो सालिकधारी अमाइलेज अच्छी ये सालिकधारी अमाइलेज कौन करेगा ना 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट जति की कार्बोहाइड्रेट तुम खाइबो ताजु 30% 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड बाय salivary amylase 30% of carbohydrate is digested by salivary amylase pila salivary amylase enzyme ta present chi se ame khau ke bar 30% of carbohydrate ko matra digestion kar pare kintu pila 30% ta maal ke bar digestion hobe kouthi digestion hobe na 2% 2% in mouth cavity. Pila out of the 30% of carbohydrate, matra 2% in mouth cavity. Remaining 28% in stomach. Pila stomach re kichhi bhi digest mane starch degrading enzyme nahi. Kintu salivary amylase ta stomach re starch degradation kare. कारण जो फूड मटेरियल टा जाई थिबो से फूड मटेरियल से त किए मिसि कि थिबो बिना सालिवरी अमाइलेज टा मिसि कि थिबो आ सेही सालिवरी अमाइलेज टा कोठी हेल्प करिवो ए सालिवरी अमाइलेज टा हेल्प करिवो ए स्टोमक रे को डाइजेशन रे ना कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन तो बिना एठी जति हम गोटे कॉम्प्लेक्स सुगर मिले केवल स्टार्च कारण स्टार्च को केवल डाइजेशन करेबो किए सालिवरी अमाइलेज एडी पिला स्टार्च को आउ स्टार्च से कहा प्रेजेंस रे बिना ये सालिवरी अमाइलेज और हम तक को टाइलिन को लिख करेगा टाइलिन हैला सालिवरी अमाइलेज और टाइलिन ये पिला कन्वर्ट कर दबो कोठी की ना माल्टोज माल्टोज आइसोमाल्टोज माल्टोज आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन माल्टोज आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन पिला जो सालिवरी अमाइलेज और टाइलिन अछि से सालिवरी अमाइलेज और टाइलिन ता से स्टार्च टाको माल्टोज आइसोमाल्टोज नहले लिमिट डेक्सट्रिन की कन्वर्ट बिला माल्टोज की आइसोमाल्टोज की लिमिट डेक्सट्रिन होला को एंजाइम डाइसैकेराइड्स बिला ये तीनटा जक होला डाइसैकेराइड आ आकु डिग्रेडेशन करबो की डाइसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स कोठे छि आपले डाइसैकेराइड्स का इंटेस्टाइनल जूस रु सिक्रेशन छि इंटेस्टाइनल जूस का कोठे से को डियोडेनम द नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ने कोठे को डियोडेनम 30% ऑफ स्टार्च एट डिग्रेडेशन होला रिमेनिंग 70% लास्ट से तो ए जो डाइसैकेराइड भरला ये सब में इंटेस्टाइनल्स पिला माउथ कैविटी परे के अछि ओसेफागस रे कोनसी एंजाइम डाइजेशन हो तो कोनसी बायोकेमिकल डाइजेशन हो केवल मैकेनिकल डाइजेशन हो तो पिला
माउथ कैविटी के हमें जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल मिले से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सही जो जते बेले ये फूड मटेरियल से तो सालिन हम मिसि गला से पिला कोठे की कन्वर्ट है जो बड़े सेमी सॉलिड फूड को कन्वर्ट है माउथ कैविटी रे पिला फूड मटेरियल रोइला प्लस सालिवा मिसिला आउ सालिवा डाला अल्कलाइन पीएच किसी जत्ती की कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में खाई दे जितना रोटे सेमी सॉलिड फूड को कन्वर्ट है पूरा सॉलिड फूड थीला वर्तमान रोटे सेमी सॉलिड फूड कर देला आउ यही सेमी सॉलिड फूड को हमने बोलस बोली बोलस माने माउथ कैविटी रे जो फूड मटेरियल टा थीला सेटे जाय तो स्टमक रे पहुंचले बड़ थीला सेटा बोलस फॉर्म कर तले एठी किला कोन हम नेक्स्ट नेक्स्ट हैला डाइजेशन इन स्टमक जेतु हमने आगुर जानि जे ओसेफागस रे डाइजेशन होबो ओसेफागस रे डाइजेशन होबो ओसेफागस रे एंजाइमेटिक डाइजेशन होबो जरा ओसेफागस रे कोन नाही कोनसी एंजाइम नाही ओसेफागस टा मेकॅनिकल डाइजेशन करबो बाय पेरिस्टाल्सिस और से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा इची फूड मटेरियल को डिग्रेडेशन करतवर चांसेस आहे तबला स्टमक रे जो गैस्ट्रिक जूस छै गैस्ट्रिक जूस रे कोन नाही देन बोनस स्टार्च को डाइजेशन कला बड़ा एंजाइम है देन एक्चुअल डाइजेशन ऑफ दिस स्टार्च का स्टमक पे भी होबो है नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक No carbohydrate digestion takes place in stomach. In the stomach, there is no carbohydrate digestion happening. No carbohydrate digestion takes place in stomach. As gastric juice and gastric juice has no starch digesting enzyme. आज गैस्ट्रिक जूस हैज नो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम ला कोन पे स्टमक रे डाइजेशन होबनी कार्बोहाइड्रेट कारण गैस्ट्रिक जूस रे स्टार्च को डाइजेशन कला पे एंजाइम नाही किंतु जो फूड मटेरियल टा बोलस फॉर्म रे फ्रॉम द माउथ कैविटी टू अप टू द स्टमक पर्यंत जाईबो से फूड मटेरियल के प्रेजेंट अछि सालिवरी अमाइल पूर्वरु हमें तो एचसीएल रो फंक्शन पढ़ते से तो पढ़ते एचसीएल रो मेन फंक्शन हैला से कोन करइबो द रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ सालिवरी अमाइल एंड मेक द मीडियम एसिडिक ते द मीडियम तक एसिडिक कर किबो कारण गैस्ट्रिक जूस रे जति की एंजाइम प्रेजेंट अछि ते सब गुडा पिला एसिडिक पीएच रे काम करबो जेतु से एसिडिक पीएच रे काम करबो जति पे प्लस मीडियम टा एसिडिक ऊपर दरकार किंतु सालिवरी अमाइल से अल्कलाइन पीएच रे काम करूची रैपिडली सेटा प्लस तो एसिडिक पीएच को बढेबो से कोन करबो तार फंक्शन करिबाटा बम करबो रिड्यूस करबो तेनु 2 टू 3% जो कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली डाइजेशन हो जेति में माउथ कैविटी रिमेनिंग जो 28% जो कार्बोहाइड्रेट रहला से रिमेनिंग 28% जो कार्बोहाइड्रेट सालिवरी अमाइलेज सहित तो मिसी की पिला कोठी पहुंचिबो ना स्टमक रे पहुंचिबो आ जेहेतु सेटि मीडियम टा एसिडिक हे जाइतिबो तो सी स्टमक रे कोन करिबो ना बाकी जो 28% जो कार्बोहाइड्रेट रहला से सालिवरी अमाइलेज द्वारा डिग्रेस तो पिला इमिति की 30% जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन का द्वारा हे गला सालिवरी अमाइलेज आ पिला कितना रहला 70% स्टमक पर नेक्स्ट रीजन को इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन तरला नेक्स्ट डाइजेशन कोठी होबो ना डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन आउ हम काम को करिल स्मॉल इंटेस्टाइन रे सब डाइजेशन कंप्लीट होबो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड डाइजेशन जहां भी डाइजेशन
digestion completed in small intestine. Digestion completed in small intestine. प्लस कॉम्पो डाइजेशन का स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जहां तुम फूड मटेरियल को इंटेक कर प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट सब फूड मटेरियल का डाइजेशन में कोटी कंप्लीट हो कोटी कंप्लीट हो प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन तो प्ले एक भी वर्तमान आप पक्षे दिए अच्छी 30% ऑफ स्टार्च है खाली भारी अमाइनेज द्वारा डिग्रेडेशन होती विपणिक कितने परसेंट जब स्टार्च से 70% जब ताले भी स्टार्च होगा स्टार्च ये लगे कितने 70% बिल्ला इंटेस्टाइनल जूस रे इंटेस्टाइनल अमाइलेज ना तो इंटेस्टाइन पे को अमाइलेज अच्छी पैनक्रियाटिक अमाइलेज करो बिल्ला पैनक्रियाज की जो सिक्रेशन बाहर जी the secretion test ke duodenum le porage therukila intestinal le coenzyme ta help koriko na pancreatic amylase ethikla salivary amylase kichhi rolai tama salivary amylase salivary secretion ethik ph kete na 8 ph basic pH hala to bla ki jo starch hochi 70% of remaining 70% of starch ka dara degradation hala to bla pancreatic amylase ra degradation convert ho ko ki se amylase ro kaam ho ja maltose isomaltose how limit the screen ओतन पिला तुम पाखरे सब थिंग सबटा जति की कार्बोहाइड्रेट तुम इंटेक करथिलो जति सेटा मोनोसैकेराइड को डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन देथि बाकी जति एटा डाइसैकेराइड फॉर्म नथिबो ओतन सब गुडा डाइसैकेराइड फॉर्म नथि माल्टोज आइसोमाल्टोज जहा तुम खाओ सालिवरी अमाइलेज को तो कन्वर्ट को ब्लड टू माल्टोज आइसोमाल्टोज लिमिट एक्सट्रीम किला पैनक्रियाटिक अमाइलेज आल्सो देखो कन्वर्ट होला टू माल्टोज आइसोमाल्टोज लिमिट एक्सट्रीम कंपकरे वर्तमान केवल माल्टोज आइसोमाल्टोज लिमिट एक्सट्रीम सिदो तो मैं एक्सपेक्ट कि सी डाइसैकेराइड मोड इंटेक करे तर बिना इंटेस्टाइनल जूस पे डाइसैकेराइड एंजाइम जाई छ जो डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड की कन्वर्ट करे तो बिना फास्ट डाइसैकेराइड हला कि माल्टोज को किए डिग्रेडेशन करेगो इला माल्टोज को डिग्रेडेशन करेगा पर माल्टेज अछि माल्टेज एंजाइम बस माल्टेज अनेक तरह के एंटी सुक्रोज अछि सुक्रोज भी डाइसैकेराइड सुक्रोज को डिग्रेडेशन करेगा कि अछि इला सुक्रेज अछि अनेक तरह तुम्हें मिल्क खाइ देलो इला मिल्क खाइ मिल्क सुगर है लैक्टोज लैक्टोज को डिग्रेडेशन करे की अछि लैक्टेज तीनटा मेन इंपोर्टेंट डाइसैकेराइड्स चल माल्टेज का माल्टोज को डिग्रेडेशन करे की कौन प्रोडक्शन करे पर दैट ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ले तीनटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोडक्शन करे कारण एटा है डाइसैकेराइड वर्तमान ग्लूकोज टाला मोनोसैकेराइड दीटा मोनोसैकेराइड मिसले डाइसैकेराइड हो दीटा मोनोसैकेराइड पडस नै गेला वर्तमान त हम कहले जे डाइट ग्लूकोज एंटी करि पसे जा डाइजेशन हमर ब्लड तर अटक सके जीव तर पिला जदी माल्टोज स्टेज रे डाइसैकेराइड स्टेज रे कार्बोहाइड्रेट अछि माल्टेज एंजाइम ने को ब्रेकडाउन करसला परे जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करत त दैट ग्लूकोज नाउ डायरेक्टली अब्जॉर्ब बाय द ब्लड नेक्स्ट डाइजेशन प्रोसेस पर एब्जॉर्प्शन असे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे कुछ तरह एब्जॉर्प्शन है सुक्रोज अच्छी सुक्रोज ब्रेकडाउन ऑफ सुक्रेज तरह और कन्वर्ट ऑफ प्रोटीन की ग्लूकोज क्रॉस ग्लूकोज
ଇଲା ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜଟା କଣ ବୋଲେ ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ହେଲା ହେକ୍ସୋଜ ସୁଗାର ଆଉ ଆଇସୋମର ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ତେବେ ଲାକ୍ଟୋଜ ହେଲା ମିଲ୍କ ସୁଗାର ଲାକ୍ଟୋଜ ଦେଖିଲା ମାନେ କଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବ ଗାଲାକ୍ଟୋଜ ଗାଲାକ୍ଟୋଜ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ ମାନେ ଏଠି ପିଲା ତୁମେ ତିନିଟା ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ପାଇଲ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଗୋଟିଏ ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ଗୋଟିଏ ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ପିଲା ଗାଲାକ୍ଟୋଜ ଇଜ୍ ଆନାଦର ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ତାପରେ ତମେ ଯଦି ଗ୍ଲୁକୋଜ କି ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ କି ଗାଲାକ୍ଟୋଜ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଖାଇଦେବ ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆବଜର୍ବ ବାଇ ଦି ବ୍ଲଡ୍ ସେଟା ପିଲା ଆଉ ଡାଇଜେସନ ହବ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ସେଟା ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ହେଲା ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଲା ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆମ ପାଖରେ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଥିଲା ନାଉ ଦ୍ୟାଟ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଗ୍ରେଟ୍ସ ଡିଗ୍ରେଡେଡ୍ 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 biochemically digested and becomes glucose so that glucose will be directly absorbed by the blood hala any monosaccharide any simple form whatever we will take into the our body that will be directly absorbed how will it digest complex food what of thymus so the mainly glucose will be simple starch take you amme jo rice khauche se rice re high amount of carbohydrate achi o form le form starch pila potato khaile many amount of carbohydrates go for the starch for the so the starch that we directly have degradation digestion by kari na the starch ka degradation hai 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 uthi padega and glucose ko starch ka directly absorption kar kari na glucose ka digestion hai ki glucose ko sahi glucose ka to pehle ye hai na part hai na ye hai na matlab carbohydrate digestion carbohydrate digestion mein अगले की और लिमिट टेस्ट के लिमिट टेस्ट के ना जो लिमिट टेस्ट में अच्छी से लिमिट टेस्ट में भी डिग्रेडेशन को लापता एंजाइम की में जो लिमिट एक्सक्रीमेज लिमिट एक्सक्रीमेज ना जो लिमिट टेस्ट में जो अच्छी ये मतलब मान पर तो वो भी वर्तमान लेक्चर एडला कार्बोहाइड्रेट सो इन नेक्स्ट वीडियो रे हम कौन पढ़ेगा सेलुलोज डाइजेशन एंड हैला